आपके पढ़ाई पे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। तो चलिए मैं अपने टेबल पे जाती हूँ और स्टडी हैक बताती हूँ। और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टडी हैक है, सबसे पहले आप जब भी पढ़ने बैठते हो आपको याद आता है मैंने वाटर नहीं लिया, मैंने वो नहीं लिया, मैंने वो नहीं लिया। तो सबसे पहले आपको सब मटेरियल लेके बैठना है, जैसे कि स्टिकी नोट्स एंड आपके मटेरियल जैसे कि पेन, पेंसिल, स्केल एंड लाइटर, एवरीथिंग। ओके, तो आप लोग बुक कॉपी तो नहीं लेना बोलोगे ना, सो वाटर भी रखना है हम लोग को। तो सेकेंड हैक मैं अभी बताती हूँ आपको, स्टडी हैक नंबर टू। तो आप जब भी पढ़ने बैठते हो ना, तो आप बेड पे कभी नहीं बैठो। जब भी आप बेड पे बैठते हो, अगर आपको लेटने का मन किया तो आप लेट जाओगे, आपको जो करने का मन किया वो करोगे। और अगर आपके पास स्टडी टेबल है तो सबसे पहले आप स्टडी टेबल को वॉल की तरफ करेंगे, वॉल की तरफ करेंगे, उसके बाद बेड नहीं आपको दिखना चाहिए और बेड करना अवॉइड करें। हैक नंबर थ्री, जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो आपको एक, अगर आपके पास एक हाईलाइटर है तो आप हाईलाइटर भी ले सकते हो, अगर आपके पास हाईलाइट नहीं है तो आप पेंसिल ले सकते हो। मैंने तो दोनों चीज़ रखे हुए हैं यहाँ पे। और अगर आपके, आप वो इम्पोर्टेंस करो, आप कुछ भी कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। तो आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे, जैसे कि मुझे ये इम्पोर्टेंट लग रहा है तो मैं हाईलाइट करूँगी। तो मुझे ये इम्पोर्टेंट लग रहा है तो मैं इसे हाईलाइट करूँगी। आपको मैं फोर्थ स्टडी हैक बताने जा रही हूँ। तो हम लोग को एक कॉपी अपना बनाना चाहिए, जैसे कि आपके स्कूल में तो बहुत सारे कॉपी बनते होंगे मैथ्स की, इंग्लिश की, लेकिन आपको एक अपना कॉपी बनाना है नोट्स के लिए, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे। तो मैंने यहाँ पे ऐसे किया है, तो मैंने यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने नॉर्मल पॉइंट का अलग कलर रखा है, मीडियम पॉइंट का अलग कलर रखा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट का ये कलर रखा है। तो मैं आपको और भी कुछ दिखाती हूँ, जैसे कि ये है, और भी मैंने लिखे हैं ये यहाँ पे, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिटन हियर, तो यहाँ पे भी मैंने लिखा है। और फिर यहाँ पे मैंने स्टिकी नोट्स का ये इस्तेमाल किया है, क्योंकि ना अगर आपको अच्छा बनाना ना तो आपको इसमें पढ़ने का मन करेगा। अगर आप गंदे से लिख दोगे कुछ भी, आपको वो पेन से लिख दोगे, तो आपको लगेगा ना कि हमको नहीं पढ़ने का मन है इसको, हम उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और हमको लगेगा कि बहुत गंदा है, ये बोरिंग लगेगा, आपको लगता है कि मैं इसे पढ़ूं ही नहीं। तो मैंने ये सब लिखा है यहाँ पे। सो मैं अब आखिरी फिफ्थ एंड सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्टडी हैक्स में ये बताना चाहूँगी। अभी तो लॉकडाउन है तो आप लोग के पास मोबाइल तो होगा ही, तो अपने मोबाइल को ना, आपके ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, इसलिए आपको जब भी आप सेल्फ स्टडी करने बैठो तो आप अपने मोबाइल को एकदम दूर रख दो। जैसे कि आपका बेड है दूर, तो आपका टेबल है दूर, तो उस पर रख दो, क्योंकि ना अगर आपको बोर हो जाओगे पढ़ने से तो आप मोबाइल उठा लेते हो, और उससे आपको इफेक्ट करेगा कि आप फिर पढ़ना नहीं चाहोगे, छोड़ो ना, आप नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, फिर कल आप फिर मोबाइल लो लोगे। तो इसलिए हम लोग को अपना मोबाइल दूर रखना है। तो ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।